गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथ की राम राम। साथियों खटखड़ टोल प्लाजा पे कल कृषि मंत्री जेपी दलाल जी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके बिगड़े बोल, क्योंकि मैं तो बिगड़े बोल ही कह सकता हूँ, जो किसान मर चुके हैं उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, ऐसे मजाक कर रहे थे, पता नहीं क्या कुछ है पा लिया हो। तो किसानों से बात करेंगे कि कल जो जेपी दलाल ने बयान दिए हैं उन पर क्या कुछ कहना है। राम राम जी प्रधान जी। राम राम प्रधान जी, जो कल जेपी दलाल जी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें मजाक में भी पता नहीं क्या क्या बोले, किसान तो घर पर भी मरने थे यहाँ भी मरे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये हमारे देश में पहली बार हुआ है जो किसी का एक जवान मौत हो और खरड़ बिछड़े हो और वहाँ हंसी मजाक हो, को गाना बजाना हो, ये हमारे भारत में पहली बार। लेकिन हमारे 219 जवान शहीद हुए हैं, सेना में तो होते रहते हैं लेकिन किसान 219 शहीद हुए हैं। और एक दो आदमी आ गए, हमें उसकी डिबेट देखी है, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, और वो बोलते हैं, दलाल बोलता है कि भाई ये तो घर पर भी मरते, ये तो अपनी आई मरते हैं, लेकिन जिसके मर रहे हैं और वो हमारे सबके मर रहे हैं, ये पूरा समाज बैठा है, ये हमारी महिला बैठी हैं, हाँ ये वो सबके मर रहे हैं। लोगों का तो एक एक आंगल के आंसू पड़े भारत में, और जेपी दलाल हंस रहे है चाय की प्याली रख रहे हैं, वो दो तीन आदमी उनको भी जेपी दलाल का पहले ही दलाल खाब ने ओका पानी बंद कर रखा है, और ओका पानी एक हमारे समाज में दाग है, वो दाग 4 पीढ़ी भी नहीं उतरता, 10 पीढ़ी भी नहीं उतरता, अगर दाग तारेगा तो समाज ही तारेगा। जेपी दलाल की पूरा भारत, किसान मजदूर दुकानदार पूरा भारत निंदा करता है उसको, तो दलाल खाब ने तो ओका पानी बंद कराया है, हमारा हरियाणा उसका आना जाना बंद करेगा, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक उलट फेर कर दिया है देश में, जहाँ खून खराब या किसी का मौत होती है रोड गाना बजाना रसना, ऐसा पहली बार हुआ है देश में। और आज हम हमारे खटखट टोल प्लाजा पर उसका पुतला फूकेंगे, उसको जिंदा फूकेंगे, क्योंकि हर आदमी का ये गोली की तरह कील लगी है। बड़ा दुख है हमारे समाज में 10 साल का बच्चे से लेकर 90 साल तक बूढ़े का, कि पहली बार इस देश की धरती पर ऐसा है। अरे दुश्मन मरता है तब भी हम सांत्वना देते हैं खरड़ बजा करके, और वो हंसी कर रहे हैं, हमारे खून के नाले बह रहे, हमारी औलादें उजड़ गई, हमारे भाई चले गए, और वो हंस रहे हैं, कौन सा मुँह है उसका, कहाँ से पैदा हुआ उसका मुंह भाई, वो हंस रहा है किसी की मौत पे। इसलिए हम उसकी बहुत भ्रशना करते हैं, निंदा करते हैं, हरियाणा में मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। जिस प्रदेश की जनता ने उसको बनाया है, कुर्सी पर बैठा है, उसी का मजाक उड़ा रहे हाज है, तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि ये भाजपा के संग में था, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के आप 1 लाख की भैंस खोल ले जाओ और फिर उसका 1 पैसा ना दो तो उसका तो बहिष्कार होगा। जिन्होंने झूठ बोल बोल ये सत्ता हासिल करी है, आज जो झूठ इन्हीं के मुंह का बल पड़ रही है, अगर जेपी दलाल कहाँ से हंसा, भीतर से हंसा, इसका मतलब वो राजी था, हमारे किसान मरे उजड़े, जेपी दलाल का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसने तो रोना चाहिए था, अगर असली आदमी होता तो रोना चाहिए था, भला ही सरकार में है कोई बात नहीं, ये पद सारी उम्र नहीं रहते भाई। मैं तो ये कहूँ जो भाजपा के लगे हुए हैं, क्या ये धर्मराज से मिले हुए हैं, क्या इनकी मौत नहीं आओगी, क्या ये अमर फल खा रहे हैं, हमारा अमर फल होते थे, क्या अमर फल खा रहे हैं, इनने भी तो मरना है क्या, लोग इनके, लेकिन ये मरेंगे लेकिन इन पर लोग हंसेंगे नहीं, हमारा समाज ऐसा नहीं, हमारा समाज तो फिर भी दुख प्रकट करेगा, उसको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। सिंधु साहब है, जैसे टिकैत साहब ने अक्टूबर का टाइम दिया था, अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा, लेकिन कल फिर पलटवार किया जेपी दलाल जी ने कि अक्टूबर ये क्या अगला अक्टूबर तक भी चल सकता है, हम नहीं कहेंगे, ये तो जगह ले रहे हैं, बैठे हैं तो ठीक बैठे रहेंगे। देखिए बैठने की बात जो टिकैत साहब ने अक्टूबर की कही है उसको हम 2004 में इलेक्शन है इस सरकार, वहाँ तक भी बैठने के लिए तैयार है, 2024 के अंदर जो इलेक्शन होगा उसके लिए हमने बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। आप पीछे घुमाओ अपने इसको तो आप देखोगे टेंट लगना शुरू हो चुके हैं, और हम 2024 तक बैठने के लिए भी तैयार हैं। और जो जेपी दलाल ने जो घिनौनी हरकत की ये बहुत ही निंदनीय है,
दलाल खाब ने इसका हुक्का पानी जो बंद किया, इसके साथ साथ मैं दलाल खाब से एक और अनुरोध ये करूंगा कि भाई इसके नाम के साथ सिर्फ जयप्रकाश रहे, दलाल नाम का शब्द को ये इस्तेमाल ना करने दे, क्योंकि वो एक कलंक है उनके लिए, धब्बा है ये देश के लिए। दलाल दलाल खाब के लिए नहीं, ये देश के लिए धब्बे की बात है सुनन की। आज हम जो 35वीं बटालियन सीआरपी की बरसी मना रहे हैं, ऐसे वक्त पर वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो बहुत ही निंदनीय है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है, उसको डूब मरने की बात है, और आज हम उसका पुतला भी फूकेंगे। जैसे आने वाला समय है बीजेपी के लिए कैसा रहेगा, जैसे कृष्णिंद में दुष्यंत आ रहे थे तो वहाँ भी नहीं आ पाए, कैमला कांड गट्टर के साथ भी हुआ है, आगे का क्या कुछ रहेगा आगे इलेक्शन का टाइम? देखिए कैमला में मुख्यमंत्री के साथ सही घटना हुई, उसको इलम हो जाने, कृष्णिंद के अंदर दुष्यंत की हुई, अभी दुष्यंत का पिताजी ये कहता है उसका इस्तीफा मेरी जेब में, वो कब निकलेगा भाई? ये राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं है, ये राजनीतिक स्टंट है। हम ये कहना चाहते हैं इस्तीफा मत दो, आप सरकार से समर्थन वापस ले लो, सरकार की आंख क्या ऊपरली सरकार भी लेगी, बोले ये तो ऊपरली सरकार है, ऊपरली सरकार आप समर्थन तो वापस लो हरियाणा से, आप ऊपरली सरकार भी लेगी उन, आज हरियाणा में ये काम होगा, कल दूसरे हिमाचल में होगा, कल गुजरात में होगा, फिर आज ये उसमें बंगाल के अंदर जो तांडव कर रहा है, देखिए बड़ी शर्म की बात है, वहाँ पर भी वहाँ का जो इनका जिम्मेवार व्यक्ति अध्यक्ष जो बना के इन्होंने भेजा, इन्होंने को मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर दिखाए जा रहे हैं कि भाई पत्थर गाड़ी के अंदर से लेके, मैं ये कहता हूँ वाटर प्रूफ गाड़ी के अंदर शीशे से गोली पार नहीं होती, पत्थर कैसे पार हो गया? ऐसे ही इन्होंने आज आसाम का इलेक्शन डिक्लेयर कर रहा, वहाँ पर 5 रुपये डीजल 5 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, यहाँ आज बढ़ाया, आज यहाँ बढ़ाया, और 25% दारू सस्ती कर दिया आसाम के अंदर, कितनी घिनौनी बात है, इसका मतलब भ्रष्टाचार तो ये फैलाना चाह रहे हैं। ये इस सरकार के लिए ये जो समाज बैठा है ना, कील का काम करेगी इनकी, कील का काम करेगी इनका। देखो भाई अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे हैं, और जो कृषि मंत्री बिगड़े बोल थे, संवेदना प्रकट कैसे कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, तो देखिए अंग्रेजों ने एक प्रश्न रखा था और 3 घंटे का एक समय दिया था, अगर किसी देश पर राज कैसे किया जाए, तो अपने यहाँ एक अर्दाल ने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, और अर्दाल जी ने लिखा डिवाइड एंड द रूल, यानी कि फूट डालो राज करो, वो नीति इस मोदी सरकार ने पकड़ ली, और अंग्रेजों ने उसको फांसी दिलवा दिया था। वही काम ये सरकार कर रही है, कहीं तो धर्म को बांट रही है, कहीं जात को बांट रहे हैं, कहीं वर्ग को बांट रहे हैं, तो ये घिनौनी हरकत है सरकार के लिए, और यही सब जी सरकार को ना ले बैठे तो हमें बता देना। एक बात और बताओ जी, जैसे अंग्रेजों के रूल थे और ये बीजेपी और आरएसएस के रूल है, कौन से खतरनाक है इनमें से? देखिए रूल तो जो बीजेपी है वो भी कठपुतली है, आरएसएस की कठपुतली है, जो कुछ सिस्टम चलता है आरएसएस से चलता है। आज भी आपको मैं बताना चाहूंगा, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पर एक डीसी के ऊपर आरएसएस का बंदा बैठा है, वही उसकी एसीआर लिखता है, वही उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजता है कि यहाँ यूडीसी ठीक काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। गलत काम का मतलब सरकार के फेवर की बात नहीं कर रहा, सरकार के हित की बात कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको कहीं और भगा दिया जाएगा। यो इसका मायने ये हुआ कि भाई जो आरएसएस ही सरकार को चला रही है, उसकी कठपुतली है बीजेपी आरएसएस की, वहां से छोल के जैसे किसान गन्ना छोलता ना, वहां छोल करके और बीजेपी में धकेल देते, जाओ पुत्र तुम पास है एकदम चेहरा हो। हाँ अभी यहाँ देखिए नहीं, आरएसएस था, खट्टर का कहीं नाम नहीं था, पहली बार इलेक्शन लड़ा, एमएलए बना, और पहली बार मैं मुख्यमंत्री, तो ये आरएसएस का खेल है सारा, बीजेपी का तो कठपुतली है आरएसएस की।
देखो खटखट टोल प्लाजा पे धरना बैठे थे और जो कृषि मंत्री ने बयान दिए हैं उस पर पलटवार किसानों ने किया है, तो इसमें आपकी क्या राय है, एक अच्छी कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद।